हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिज़ाइन टू फ्यूचर एंड मैं हूं आकाश। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? होप आप लोग ठीक होंगे एंड आपसे उम्मीद मैं करता हूं कि आप मेरे लास्ट वीडियो को देख के प्रैक्टिस जरूर किए होंगे और आपसे उम्मीद भी ये होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहें। प्रैक्टिस कभी किसी भी दिन स्किप ना करें अगर आपको ऑटोकैड सीरियसली सीखना है तो, अदरवाइज आप सिंपल इन्जॉय करना चाहिए तो डजंट मैटर। तो फ्रेंड्स, आप मैं जो भी वीडियोस देखें उसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिस जरूर इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो है हमारा ऑटोकैड बिगिनर्स के लिए और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू यूज एलिप्स कमांड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, एलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने ऑटोकैड का टेम्पलेट ओपन कर रखा है 2D का। ओके, तो यहाँ पे मैं एलिप्स यूज करूँगा। एलिप्स कैसे यूज करते हैं? एलिप्स का कमांड है आपका EL एंटर। ई फॉर एलिफेंट, EL फॉर लायन, EL एंटर। ओके, क्लिक एट। इसमें दो तरीके के एलिप्स मिलेंगे, एलिप्स ऑन द बेसिस ऑफ आर्क, एलिप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर। मैं सेंटर के बेसिस पे पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद आर्क वाला बताऊंगा। ओके, तो फर्स्ट है हमारा एलिप्स बाय यूजिंग सेंटर। ओके, जिसे हम कंप्लीट एलिप्स बोलेंगे। ओके, तो इसे मैं ड्रॉ करता हूँ। ई एल एंटर किया हमने, क्लिक एट एनी पॉइंट। ओके, देन मूव कर्सर। कर्सर जो कर्सर है, कर्सर को आप एक एक्सेस के अलॉन्ग मूव करें, या तो एक्स एक्सेस या तो वाई एक्सेस। ओके, तो मैं एक्स एक्सेस के अलॉन्ग कर्सर को मूव किया, देन एक्स एक्सेस वैल्यू एंटर, मतलब एक्स एक्सेस का जो वैल्यू होगा वो एंटर करना है। जितना वैल्यू एंटर करना है, जो टोटल एक्स एक्सेस होगा सिंगल डायरेक्शन में, वो कंप्लीट नहीं, सिंगल डायरेक्शन में, मतलब अगर टोटल एलिप्स का एक्स एक्सेस 10 है तो आपको 5 डालना है, अगर 20 है तो आपको 10 डालना है। देन मूव कर्सर इन वाई डायरेक्शन एंड वाई वैल्यू एंटर। वाई अगर आपकी 40 है तो आपको 20 डालना है। ओके, इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। एक्स एक्सिस मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसका आधा। ओके, क्योंकि जो हमारा एलिप्स ड्रॉ हुआ है वो सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस के बेसिस पे ड्रॉ हुआ है, एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ड्रॉ हुआ है। आया समझ में आपको? ये कमांड आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ एलिप्स का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक किया हमने, यहाँ पे सेंटर एलिप्स या फिर एक्सेस इन एलिप्स भी कहते हैं इसको, वो भी ले सकते हैं। तो सेंटर एलिप्स दोबारा मैं लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक एट सेंटर पॉइंट, जो भी आप पॉइंट क्लिक करेंगे वो सेंटर माना जाएगा। मूव कर्सर इन एक्स डायरेक्शन, तो पहले वाई डायरेक्शन भी मूव कर सकते हो आप, जैसे दिया हमने 10 और जैसे दिया हमने 5, ये हमारा ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ओके, दूसरा है हमारा एलिप्स के अंदर एलिप्स आर्क। ठीक है, एलिप्स के फॉर्म में आर्क कैसे ड्रॉ करें? ओके, तो इसका कमांड लिखिए आप लोग, EL एंटर, क्लिक एट एनी पॉइंट, सॉरी EL एंटर, देन A एंटर, A फॉर आर्क, देन क्लिक एट सेंटर पॉइंट, वो सेंटर माना जाएगा जिसके आपने क्लिक किया। देन सेम वही प्रोसेस, मूव कर्सर इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, देन एक्स वैल्यू या और वाई वैल्यू एंटर। अभी मैं एक्स डायरेक्शन में मूव किया और एक्स वैल्यू डाला मैंने 5, और वाई में मूव किया, वाई में डाला हमने 10। अब ये नीचे आप पढ़ो, आप स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, यानी एलिप्स का एंगल किस, एलिप्स किस एंगल से स्टार्ट होगा वो डालना है। मैंने डाल दिया कि एलिप्स जो है 0 डिग्री से स्टार्ट हो। ओके, तो मैंने 0 स्टार्ट एंगल डाला, तो ये जो होगा हमारा 0 डिग्री माना जाएगा, ये पोर्शन 0 डिग्री माना जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो इस तरफ मूव करते हुए चलेगा। ठीक है, कहाँ तक जाना है? ये 90 होगा, ये 180 होगा, ये 270 होगा, ये 260 होगा। तो मैं डालता हूँ सपोज 115, 115 डिग्री। देखो ये यहाँ से चल के 115 डिग्री यहाँ तक आएगा, तो इसको सेंटर मान के ऐसे ट्रैंगल ट्रैवल करेगा, यहाँ तक करके ड्रॉ हो जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, तो ये एलिप्स के फॉर्म में हमारा आर्क ड्रॉ हो गया। तो फ्रेंड्स, एलिप्स को हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस पर क्लिक करके आप, जैसे आप मैन्युअली मॉडिफाइड करना चाहते हो तो इस
इस पॉइंट्स को बोलते हैं एडिटिंग ग्रिप्स, इसको बोलेंगे हम एडिटिंग ग्रिप्स। नहीं, इन ग्रिप्स को पिक करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। उस ग्रिप पे मैंने पिक किया और इस तरीके से मूव किया, तो ऐसे साइज भी मॉडिफाइड कर सकते हैं वो। ओके, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इसके पॉइंट को, ऐसे मूव कर दिया, ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉडिफाइड भी कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, सेंटर को मूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको एलिप्स के बारे में बताया, जो एलिप्स के दो टाइप्स हैं उनके बारे में मैंने बताया। फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में एक चीज़ स्किप हो गई है, वो ये कि इसके अंदर एलिप्स में ये वाला एलिप्स मैंने आपको नहीं बताया, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्सेस एंड एलिप्स क्या है, ये जस्ट मैंने एक्सेस एंड एलिप्स दिया हमने। अब यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट पे पिक करेंगे, कर्सर को मूव करूँगा। अब मैं कर्सर को मूव करूंगा तो यहाँ पे नीचे आप पढ़ो स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट ऑफ एक्सेस, मतलब एक एंड पॉइंट इसके स्पेसिफाई कर दूंगा। जैसे दे दिए हमने 5, ठीक है, तो ये जो 5 लेंथ है वो इसके स्टार्ट और एंड पॉइंट तक का लेगा, मतलब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ लेगा, हाफ मिलेगा। लेकिन अब जब दूसरी बार मैं स्पेसिफाई करूँगा वाई एक्सेस वाला, वाई एक्सेस में मैंने दे दिया 2, तो ये हाफ ही 2 है, मतलब 2 to 4 हो गया टोटल। तो एक बार मैं मेजर करके देखता हूँ, यहाँ से मेजर लिया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में 5 आया। ठीक है, 5 क्यों आया, क्योंकि 5 मैंने डाला था एंड पॉइंट का, मतलब इसकी स्टार्ट एंड पॉइंट का जो डिस्टेंस टोटल लिया है। और वाई एक्सिस में देखते हैं डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारा 4 हुआ, क्योंकि हमने सेंटर से यहाँ तक का 2 डाला था, तो इसमें 4 लिया। ओके, तो इस तरीके से हम यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने एलिप्स के बारे में जाना, होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक बटन पर क्लिक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हैं, और आप व्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करना ना भूलें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो फ्रेंड्स, अब मैं चलता हूँ यहाँ से, आगे की वीडियो को देखने के लिए दरअसल चैनल को सब्सक्राइब की जरूर करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand.